आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडिया न्यूज 16 में। साथियों, जिस प्रकार से आप ये तस्वीरें देख रहे हो, इनको दिखाने का एक मेन मकसद है, अहम भूमिका रही जो एग्ज़ाम हो रहा है गवर्नमेंट जॉब ग्राम सचिव का, SSC द्वारा लिया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति ने महेंद्रगढ़ ज़िले से बहुत ही एक अच्छी मुहिम स्टार्ट की, शुरू की, जिससे नौजवान युवाओं को जो एग्ज़ाम देने आए थे उन्हें बहुत सा फ़ायदा मिला, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और शांतिप्रिय तरीके से जो पेपर था ये महेंद्रगढ़ ज़िले में हुआ। तो साथियों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति ने रहने खाने पीने और सेंटर तक जाने सब कुछ की व्यवस्था खुद से कर रखी थी, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। सुनिए उनकी आवाज़ में, वह कौन है, देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। जैसा कि आपको पता है, ग्राम सचिव का पेपर SSC द्वारा लिया जा रहा है और महेंद्रगढ़ के सभी स्कूलों में लगभग जिनमें सेंटर आए हुए हैं वहाँ पे हमारे जो रमेश जी महेंद्रगढ़ से भावी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ऐसी सुविधा दी है बच्चों को जो सबसे अलग है। आज तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ का नाम बाहर तक ले जाने के लिए इन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई है। सर नमस्कार। नमस्कार है। सर, जिस प्रकार से आपने ये काम शुरू किया है, बस स्टैंड पे कल आपकी गाड़ियाँ देखी मैंने, यहाँ भी आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो किस प्रकार से क्या मुहिम है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? सर, पहले तो सभी का मेरा नमस्कार। कोई बात नहीं, बहुत और सबसे मेन चीज़ ये है सर, अक्सर हम देखने में आता है कि जैसे बाहर से आए परीक्षार्थी जब भी यहाँ महेंद्रगढ़ में आते हैं तो उनको बहुत सी ऐसी सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उनको रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था का, क्योंकि वो बाहर से आए हो तो उनको अक्सर पता नहीं होता हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। तो उन असुविधाओं को देखते हुए हमने ये तय किया कि हम इस तरह की सुविधा जो अपने द्वारा कि उसको फिर रहना खाना पीना, उनको सेंटर तक पहुंचाना है, सेंटर से बस स्टैंड तक पहुंचाना, हमने पूरी व्यवस्था के लिए की है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमने हमारी गाड़ियाँ हर सेंटर पे हमने भेजी हुई है कि वो जैसे इस पेपर इनका छूटेगा यहाँ से, तो जो बच्चे यहाँ से बस स्टैंड पे जाना चाहे उनके लिए हमारी गाड़ियों में बैठे और बस स्टैंड तक हम छोड़ देंगे। सुनने में आया है रहने की खाने की व्यवस्था भी की है आपने? जी बिल्कुल की है। जिस प्रकार से जो आपने ये मुहिम स्टार्ट की है, आपके मन में विचार कैसे आया? ये ऐसा है कि मैं वही आपको बता रहा था कि हमने पिछले दिनों जब भी कभी जैसे BEd के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे या अन्य किसी प्रकार के परीक्षार्थी आते हैं तो उनको हरदम हमें लगा कि हमें इस तरह की सुविधा करनी चाहिए। और दूसरा कि हमारा जो जैसे महेंद्रगढ़ का नाम मैं चाहता हूँ कि जब ये परीक्षार्थी जब अपने शहर अपने किसी ज़िले में जाए तो हमारा शहर का नाम, महेंद्रगढ़ का नाम ये हो कि सम्मान के साथ लिया जाए कि वहाँ हमने इतनी अच्छी व्यवस्था मिली। कि इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि महेंद्रगढ़ के सम्मान के लिए इन्होंने ये कार्य किया है, और भी स्कूलों की जहाँ भी इन्होंने अपनी गाड़ियाँ भेजी हैं या जहाँ से भी ये अपना काम कर रहे हैं वहाँ की सारी जो भी खबरें हैं मैं आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार।